कि माता रानी की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है। माता रानी के नवरात्रि रखना, माता रानी के नाम के व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी रखो। लेकिन उसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून कायदे होते हैं, और मेरी नजर में वो कानून कायदे क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर अच्छे लगे तो मुझे आशीर्वाद जरूर से जरूर देखना, और मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके नीचे कमेंट जरूर करना कैसे लगा। आज कलयुग के अंदर जड़ा जड़ा एक बगुला भगत बन चुका है। बगुला भगत का मतलब होता है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, यानी कि हम सेरा वाली माता के बड़े परम भगत दिखने की बड़ी कोशिश करते हैं, लाल चुन्नी बांध के माता के दरबार में जाते, जाइए कोई मना नहीं करता है, माँ का दरवाजा खुला है सबके लिए। लेकिन उसके कुछ कानून कायदे हैं, नियम हैं, वो क्या है जरा इस भजन के अंदर सुनना। एक भगत सुबह 4 बजे उठ के माता रानी के दरबार में हर रोज जाया करता, सुबह माता के मंदिर में जाता, माता की आरती करता, पूजा पाठ करता था। एक दिन की बात है, एक बुढ़िया माता उस मंदिर में आई और कहने लगी कि भाई तू रोज सवेरे 4 बजे इस माता के मंदिर में आता है, ऐसा इस माँ से कैसे लगाव हो गया तेरे को, इतना प्रेम क्यों करता है इस माता से। वो एक इंसान कहने लगा कि जी मेरे को सब कुछ देने वाली यही माता है, इसी के दिए दिन है, यही है जो कुछ भी है मेरी, तो यही मेरी जिंदगी के मालिक है। कहने लगी रे एक भूल का बहुत बड़ा थप्पड़ लग रहा है तेरे, अगर तू उस बात में भूल गया तो मैं तेरे को ये नहीं कहती कि इस माता की पूजा ना कर, कर, लेकिन उससे पहले मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहती हूँ बेटा, अगर तेरे बुरा नहीं लगे तो इस बात का जवाब जरूर से जरूर देना। किस तरह से वो सवाल करने लगी, बोले रे एक बात बता मेरे लाडले, तो माँ शेरावाली के दरबार में तो रोज आता है, लेकिन जिस माँ ने तेरे को जन्म दिया है वह माँ किस से नबले वाद तुड़ी अड़म है, अरे जिसने तेरे को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ब्याह था, इतना बड़ा करा, वह तो तने तुड़ियाड़े में गिर दी, और इस माता के दरबार में तू रोज की रोज आवे, कौन सी बात तेरे मनान लाग रहा तू, जो सी माँ मनानी चाहिए उसने तो मनाता है कोनी, खाम खा इस पत्थर की मूर्ति के पाछे बोला हो रहा है। अरे पत्थर की मूर्ति मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि तू केवल और केवल पत्थर की मूर्ति ने पूजा, असली माने तो पूछता है को नहीं, अगर तू असली माने पूछेगा तो ये पत्थर की मूर्ति भी बोल पड़ेगी, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये पत्थर की मूर्ति नहीं रहेगी, उसके बाद ये तो ना माए नजर आने लग जाएगी, इस पत्थर में भी माँ उसे आदमी ने नजर आवे जो अपनी माँ से प्रेम करता है, आज जो अपनी माँ ने ठुकरा के यहाँ आएगा तो भैया पत्थर है फिर कुछ नहीं है, भले ही मेरी बात कड़वी हो लेकिन मैं तो सच कह रहा हूँ, मेरी सोच यही है, मेरी माँ यही कहती बेटा पहले माँ की आत्मा ठंडी करिए फिर मेरे दरबार में आइए, कदे खाली नहीं जान दूंगी। आइए सुनिए किस तरह से वो बुढ़िया माता उस लड़के को क्या समझाने लगी, एक एक बोल सुना ध्यान से। कलयुग में जड़ा जड़ा क्यों बगुला भगत बना, ओ बगले तू कौन सी मात मना रहा है, बगले झूठे ढोंग रचाया, कौन सी मात मना रहा है बेटा झूठे ढोंग रचाया। क्या समझाने लगी बुढ़िया माता, कलयुग में जड़ा जड़ा क्यों बगुला भगत बना, कलयुग में जड़ा जड़ा क्यों बगुला भगत बना, ओ पितरे कौन सी मात मना रहा रे बगले झूठे, क्योंकि चारों तरफ की रोशनी कर देता है वो दीवा, लेकिन उसके खुद का नीचे अंधेरा है, वही काम आप जैसे लोगों का हो गया।
हाँ माता के दरबार में जावा सबनों का सेवा करनी चाहिए, माता के व्रत रखने चाहिए। करो भैया मना कौन करता है, लेकिन सारी बुराई इतने वो भरी पड़ी है, लेकिन वो हमने को ना देखती। इसलिए लिखा नंबर एक पे एक बात सुनिए ध्यान है कि जिस देवी माने जब गुजरन दिया उसका दरवाजा बैठ के कहते नूबीर पूछता मां रोटी खा ली, और इसके दरबार में मुंह ढपड़े रहे हैं, ये फायदा है कोई फायदा ना है। क्या लिखा शक्ति माता की जय, कोई कहता है नैना माता की जय, कोई कहता है चंडी माता की जय, किसी माता की जय नहीं, सब पाखंड करते हैं जब ढोंग करते हैं। अगर सच में किसी मां की जय होती, मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर सच में किसी मां की जय होती तो क्या भारत में एक भी वृद्ध आश्रम होता? बोलिए क्या होता इस इंडिया के अंदर एक भी वृद्ध आश्रम? नहीं होता भैया, हम पाखंडी है ढोंगी है। इस मां के दरबार में तो चुंडी बांध के चले जाते हैं, जय माता दी करते हुए नंगे पांव जाते हैं, लेकिन घर जो मां बेटी है गिलास पानी नहीं पिला सकते उसने। कैसी भक्ति है हमारी, ढोंगी है पाखंडी, ये कोई भक्ति नहीं है। नरा भरम पाल रे गणखरे देवी के भक्त ने होगा, मेरे में सरस्वती माता हुआ, मेरे में दुर्गा माता हुआ से नैना ना होंगे, कुछ पूजा पाड़ेंगे दुनिया की बताओगे, मेरे में शेरावाली आ गई रुद्रा नाश होगा, ऐसे शेरावाली आती है। पाखंड करते बहुत सारे लोग देवी के नाम पर, अरे जो असली देवी है ना भाई, उसने तो कभी पूछता है को ना मां रोटी खा ली, वो असली देवी दो। जिस दिन उसने पूछ लाग जाएगा ना मां शेरावाली कृपा बरसानी शुरू कर देगी, मेरे भैया ये सच्चाई हकीकत है। अगर असली में जय जयकार होती तो भैया एक भी वृद्ध आश्रम इस भारत में नहीं होता, मेरी बात कड़वी है लेकिन सत्य है मेरे भाई बहनों। असली खड़ी होती कोई जन्म
ये सच्चाई ना चुप जाएगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है। यो सच लागेगा थारा रे पगले, झूठे ढोंग रचाया तुलसी मात मनाया रे बेटा, झूठे ढोंग रचाया। दादा जगन्नाथ जी ने एक बात में लिखी है, एक शब्द है भजन है उनका कि समझनिया ने जननी मां पृथ्वी ते भारी हो, कि जो समझने वाला इंसान होता उसने जननी मां अपनी पृथ्वी से भी भारी होती है। और नब से बड़ा पिता ने कह दे कोई हर्ज नहीं से, और इनकी सेवा एक कर्तव्य से की और फर्ज नहीं से। ये दादा की बात है जगन्नाथ की, कि समझने ने पृथ्वी से भी भारी होती है मां, पृथ्वी छोटी नहीं है देख लो, और कितना भार उठाए हुए ये पृथ्वी से भी भारी मां की महिमा बताई। लेकिन हम बताए कुछ और दिमाग में कष्ट चढ़ाए बैठे हैं, रास्ता बताया कि अपने मन में एक मंदिर बना ले छोटा सा, और कहे की मूर्ति लाने की जरूरत नहीं, अपनी मां ने सब कुछ मान, और उसमें अपनी मां का नाम रटाकर सिर्फ जिसने तुमको जन्म दिया है उसके बाद में ये माँ शिरा वाली माँ दुर्गा भगवती जितनी भी मैया रानी है, भैया बुलाने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कहता हूँ बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप चल के आती है, क्योंकि हमारे कर्म जब सही हो जाएंगे भगवान अपने आप आएंगे, हमारे कर्म में बिगड़े रहेंगे तो भगवान के ऊपर आ जाएंगे। माँ शिरा वाली गलत नहीं है, गलत हम है भैया। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, गड़बड़े लोग कहो तो कड़वा गड़ा बोल रहा, बेशक बोलू लेकिन सच्चाई का साथ देंगे हमेशा। भगवान का विश्वास करया करो, अंधविश्वास ना करया करो। एक तावड़ों को विश्वास मरा विश्वास में किए फर्क हो है, विश्वास क्या होता है अंधविश्वास क्या होता है मैं बताता हूँ। खरे लोग रुकेंगे हे देवी माता यू काम क्यों मैं कर दिए, देवी माता को निकल है नू क्या करो, हे देवी माता मैं ये छोटा सा काम करूं और तू इस काम में मेरा साथ दिए। भगतों पेट जब भरेगा जब खुद रोटी का टूक तोड़ के अपना मुंह मध्योगे, माता रानी तो उस रोटी का इंतजाम कर सकती है आप लोगों के लिए, न्यू को नहीं कि माँ सिर पर चढ़ के आओगे तो मैं रोटी खुआवागी, ऐसा नहीं होता। अंधविश्वास मत फैलाओ, विश्वास फैलाओ, जर्रे जर्रे में भगवान है लेकिन विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, हमने तो अंधविश्वास ही है। इसलिए लिखा कि दिल में जब मंदिर हो जाएगा ना माँ शेरा वाली तो बिना बुलाया होगी, कृपा इतनी कर देगी सोची नहीं होगी, मेरे ऊपर माँ की इतनी अपार कृपा है देवी माँ सबके ऊपर करना, क्योंकि इस माँ ने कहा था कि बेटा मैं तो यही बात मानता हूँ, माँ एक ही बात कहती है कि बेटा माँ की सेवा करिए, मैं तेरे से दूर नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जिस दिन तू तेरी माँ का नारा पाटेगा मेरा कुछ नहीं लगता, ये माँ कहती है, ऐसे लिखा है।
देगा इस माँ पे केले का पगले रे। क्यों ना कदे विचारा रे बेटा झूठे ढोंगर तुलसी बात मनाया रे पगले झूठे ढोंगर तारा कलयुग में जड़ा जड़ा क्यों बगुला भगत बना कलयुग में जगाता कभी मेरे लिए नौ दिन भूखा मरता है व्रत रखता है उस इंसान के मैं आसपास भी नहीं। फिर यही मैया कहती है जो इंसान घर में बैठ के माँ बाप की सेवा करता है और कभी भूल कर भी मेरी चौखट पर नहीं आया है, मैं खुद जाती हूँ उसकी चौखट पर और कुंडा खुड़का के बोलती बेटा तू मेरे काबिल है। मैं नहीं कहता, मेरी माँ कहती एक बात में दम लगे तो तालियां बजा दिया करो। हाँ बात में दम लगे तो दम नहीं लगे तो मत बजाया करो, चलो कर दिया करो, मजा नहीं आया भाई। हाँ पीछे ले रखे हैं फ्री में थोड़ी आ रही भाई नर पी दे रखे आनंद लो। आइए सुनिए माता पिता का बड़ा प्यारा भजन कि जिंदगी में माँ बाप हुस्न जवानी एक बार मिलती बड़ी सोच समझ के बरतनी चाहिए। बड़े खुश नसीब वो लोग हैं जिनके पास पिता है या माँ है और बड़े बदनसीब मानता हूँ लोगों को जिनके पास पिता नहीं है या माँ नहीं है। और मैं भी दुनिया का वो बदनसीब हूँ जिसके पास माँ नहीं है। 1 फरवरी 2016 को मेरी जननी भैया संसार से चली गई लेकिन आप मेरी बहनें हैं, मेरी माँ हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आइए मेरे साथ मिलकर गाएं बड़ा प्यारा भजन माँ बाप का कैसे लिखा। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। आइए सभी गाएंगे ताली बजा के मीठी मीठी जो अपने मम्मी पापा से प्रेम करते वही बजाना था मेरे साथ गाना बहुत ही मीठा भजन है। नाचने की नहीं कहूंगा सिर्फ ताली बजाना और साथ में गाना एक एक बोल समझ में आएगा। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। मीठी मीठी ताली बजा के क्या बात है बहुत बढ़िया।
अदालत मेरे धर्मराज की अदालत मेरे होना एक दिन पेश होने कपट बेईमानी के तेरे झूठ कपट बेईमानी के तेरे ऊपर चले केस बंदे थोड़ी बिढ़ी ना मिले बंदे थोड़ी बिढ़ी ना मिले भाई ये जयकारा जरा जोर से होना चाहिए। माँ बाप नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। माँ दुर्गा, बालाजी महाराज, भोले बाबा, श्री कृष्ण भगवान, जितने भी देव देवता हैं उन सब का ज्ञान करवाने वाले माता पिता हैं। अगर माँ बाप जन्म ही नहीं देते तो हम यहाँ होते ही नहीं। एक बार सभी जितने भी देखो माँ बाप की कोख से हर एक जीव निकलता है। आप लोग भी माँ बाप की कृपा से यहाँ पर बैठे, एक बार जयकारा जरा दोनों हाथ उठाकर जोर से लगाए। बड़े 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 माँ बाप की, सच्चे दरबार की, देवी माता की जय हो। माती बन भोरी आली रे, तेरी सब देवों की सरताज। माती बन भोरी आली रे, तेरी सब देवों की सरताज। मियारी बन भोरी आली रे, तेरी सब देवों की सरताज। मियारी बन भोरी आली रे, तेरी सब देवों की सरताज। नमक कर दिया जुलम मेरा निकल तो टोल आए मेरी बहू पागी ने। अरे मैं ये भगवान मन मलवाऊंगे, ये देख मनना नाचना आंदा या तो मेरे ने सत्तर डाल के सटाप कर लूगा या वो नाच मन के नाचना होता मन तो बस एंड्यू न्यू करना हो बता इस तक काम चल रहा था। अच्छा न्यू कर दू। आइए देखा हमारा परिवार है, हमारा पूरा परिवार यहाँ आया हुआ। दो बेटे हैं मेरे, वो भी आए हुए हैं, और हमारी मेरी मिसिज है जो वो भी आई हुई है। गुरु जी भी आए हुए हैं, हमारी गुरु माता भी आई हुई है, लेकिन एक चाड़ा पट्टे हमारी गुरु माता नहीं खड़ी हुई कभी। आज तो आप भी आ जाओ, देखी जागी, आज 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 एक बारी ताई लाइए लाइए ताई एक बारी। मेरी माँ है एक बार इसने बुला ले घर, आज तो जगह तक दूसरे के थोड़ी आ रहे हैं। आज आ जाए नाचना को नहीं फिर तो आ जाओ एक बार, फोटो तुरवाओगे आ जाओ। देखिए थोड़े फोटो नाम था देख भाई, देखो हमारे घर में प्रोग्राम है दूसरे के नहीं है। और देखिए इतने बढ़िया बढ़िया देखिए लिबाज पहन के बैठी हैं, ये कमाल की बात है। बहनों माता के दरबार में कैसी शर्म है, कोई शर्म नहीं है। और आप लोग शर्मा रहे हो। महती बने बोरी आली तेरी सब देवों की सरताज। महती बने बोरी आली तेरी सब देवों की सरताज। तेरी सब देवों की सरताज। तेरी सब देवों की सरताज। तेरी बने बोरी आली तेरी सब देवों की सरताज। ताली बजा दो हाथ की, बहुत बढ़िया।
नहीं, मस्ती के साथ गाओ, भगवान ने जबान दी है, ताली बजा के गाया करो, गले संकीर्तन करो, संग संग में कीर्तन होना चाहिए। इनका पैर जब तो उठोगा जब तक हम गाओगे, जो नहीं अपनी आँखें देख लिया सलामत है तेरी कृपा से वही रखना, क्या तू रखी है सदा निराली मेरी तेरे बेटे की आवाज, रखी है सदा निराली तेरी तेरे बेटे की आवाज, निराली मन भोरी आली मेरी सब देवों की सदा, निराली मन भोरी आली मेरी सब देवों की सदा,
करिए देवी माता, मेरी माँ पाथरी वाली के लिए हाथ नहीं दुखने चाहिए, ताली बजनी चाहिए, माँ सब की झोली भरने वाली, इसलिए लिखा है वो नथू बेटा बना लिया री छोले चढ़े किसी भक्ति में चढ़े, लेकिन मेरी माँ पाथरी वाली का भोग है गुलगले सुहाड़ी गुलगलिया का भोग लगे माता रानी का, जिसने देसी भाषा में कहा पूर तार दिया माता के नाम का, जो पूर तार करके माता के दरबार में चढ़ाता है मैया रानी सब मनोकामना पूरी करती है उसकी, इसलिए लिखा तेरा भोग तेरा हरा दुनिया भरते की कृपा है। गुरुजी
ऐसे नहीं मिलते, जब माँ की कृपा होती है तभी मिलते हैं। बड़ा ही सौभाग्यशाली अपने आप को मैं मानता हूँ, ऐसे गुरुजी माता ने मुझे दिए। हे माँ तेरा लाख लाख शुक्र है, सबको ऐसे गुरुजी मिले जो भव सागर से पार लगाने वाले हो। हे माँ तेरा चेला मैं भी बन गया, तेरा भगत ने बना लिया, माँ तेरे रंग में रंग लिया, एक तो सारी सारी रात तेरा गुणगान करे जाता हूँ। माँ सब ने अपना रंग में रंग, एक बार ताड़ी बजाओ माता के नाम की। और अंत में लिखा तेरी ओम गुरु मारी प्यारा चेला, उसी को फल मिलता तो क्रम करता अपने मुंह तक आओ क्या माँ बच्चा कारी किसने बच्चा जाने दुनिया सारी, माँ बच्चा कारी किसने बच्चा जाने दुनिया सारी, इस रिश्ते की हिला